एक जमाने के अंदर साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, इनकी जो मोनोपोली थी वो नेक्स्ट लेवल पर थी और पूरी दुनिया इनके ऊपर डिपेंड करती थी, क्योंकि ये आज के समय में भी सबसे एडवांस चिप्स बनाते हैं। और आज अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर यहां से निकला हुआ कोई ना कोई सेमीकंडक्टर, कोई ना कोई चिप तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और वही बात करें इंडिया की, तो हाँ, पिछले 10 से 15 साल के अंदर इंडिया ने असेंबली वाले स्पेस के अंदर तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर आया कि इंडिया के अंदर यहां पर आज भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को अचीव नहीं कर पाए, जहां पे कई सारे कोर और क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं हम बाहर से इंपोर्ट कर दे। इवन छोटे से छोटी जो चिप्स होती है ना, वो भी चाइना से आती है, ताइवान से आती है। बस सिंपल सा रीजन है कि इंडिया के अंदर चिप और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई खास डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। लेकिन शायद अब ये कहानी यहां पे टोटली यहां पर बदलने वाली है। अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि इंडिया के अंदर 2025 के एंड तक हम 28 nm से लेकर 90 nm की चिप को प्रोड्यूस कर चुके होंगे, और इन चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग है यहां पे मास स्केल के अंदर 2026 और 2027 में शुरू हो चुका होगा, तो ये बात आप लोगों को कैसी लगेगी? वेल, देखा है तो आज भी डेस्टिनेशन बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी हमने जो शुरुआत करी वो कुछ छोटी चीज नहीं है, ये सच में बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि इंडिया एक बार अगर सेमीकंडक्टर की रेस के अंदर अगर आ गया तो हां, सच बात बता रहा हूं, यहां से फिर पीछे लौट पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा, और दुनिया के कई सारी कंट्रीज को यहां पे बहुत बड़ा झटका यहां पे लग सकता है। क्योंकि आज भी बहुत ही कम ऐसे देश है जो आज अपना खुद के अंदर एक खुद का एक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। और मॉडर्न एज के अंदर बात करें, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहां पर यूज कर रहे हो उसके अंदर सेमीकंडक्टर तो यूज होता है, चाहे आपका लाइट बल्ब हो गया, चाहे आपके स्मार्ट फैंसी क्यों ना हो गए, वाईफाई राउटर हो गया, आईओटी गैजेट्स हो गए, यहां तक कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। हालांकि कई सारे लोग अब बोलेंगे यहां पे कि यार 28 nm इंडिया में यहां पर क्यों बना रहा है, दुनिया तो 3 nm 2 nm की बात कर रही है और आज हम इतना पीछे हैं। वेल, सच बात है कि 2 nm 3 nm बहुत ही एडवांस चीज है, लेकिन रियलिटी में यह होता है कि 2 nm 3 nm की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। हालांकि आप लेटेस्ट आईफोन लेंगे उसके अंदर जरूरत पड़ेगी, लेटेस्ट लैपटॉप चलाएंगे उसके अंदर जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर भी जो सिंगल चिप होती है 2 nm 3 nm की वहां पे जरूरत पड़ती है। उसको सपोर्ट करने के लिए साइड में जितनी छोटी छोटी चिप्स को यूज किया जाता है ना, उनका इतना एडवांस होना जरूरी नहीं है, और यही एक सबसे बड़ी चीज है। यहां तक कि आज भी जो पुरानी लेगेसी चिप्स है उनका यूटिलाइजेशन बहुत हो रहा है, चाहे हम डिजिटल कैमरास के अंदर बात करें, चाहे एक स्मार्ट वाईफाई वाले एलईडी बल्ब के बारे में क्यों ना बात करें। अब आप छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं, 2 nm या 3 nm वाला प्रोसेसर किसी लाइट बल्ब में डालने की सच में जरूरत नहीं है, या फिर माइक्रोवेव में डालने की जरूरत नहीं है, एक पुरानी चिप से भी ये काम यहां पे किया जा सकता है। और अगर एक इतनी एडवांस चिप को अगर मैं एक लाइट बल्ब में डाल दूंगा तो आपको जो लाइट बल्ब जो उसकी कीमत 25-30 हज़ार पहुंच जाएगी। ये बहुत छोटे से एग्जांपल है, और इन्हीं सब के कारण इन सब की जो डिमांड रहती वो मार्केट में बहुत ज्यादा है। इवन 2020 में जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तो उस जमाने में हमने चिप शॉर्टेज को फेस किया था, और चिप शॉर्टेज के अंदर सिर्फ एडवांस चिप्स की कमी नहीं थी, यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी चिप्स की कमी थी जिसने पूरी कार इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। क्योंकि उस जमाने में कई सारी ऐसी लेगेसी चिप्स थी जिनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, और उनका यूज कार्स में, यानी कि कार के पावर स्टीयरिंग में, एबीएस में, अलग अलग जगह यूज किया जाता है, और उन चिप्स की कमी से कार प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रही थी। तो देखा तो वो एक अपॉर्चुनिटी इंडिया ने ली है, जहां पे इंडिया के अंदर आने वाले समय में बहुत ही अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी 28 nm से लेके तकरीबन 90 nm और इवन 110 nm की। लेकिन क्या हम लोग आने वाले फ्यूचर के अंदर 2 nm या 3 nm को अचीव कर पाएंगे? वेल, देखा तो इंटरनली जो टारगेट रखा गया ये डेवलप करने के लिए 2030 का रखा गया कि 2030 तक इंडिया के अंदर आपको 3 nm चिप की डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन दोनों ही देखने को मिले। इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर यहां पर इन्वेस्ट करने वाले 76,000 करोड़, जिसका यूज फैब प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग क्लास, इवन डिजाइनिंग के अंदर भी यूज किया जाएगा। इवन चिप्स की तो बात काफी अच्छी है, इवन हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फैब्स को भी लगाने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर आज के समय मोबाइल फोन के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्क्रीन्स, उसको भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और देखा जाए तो कुछ ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो टाटा की पीएसएमसी के साथ कोलैबोरेशन में ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में है, जिसे धोलेरा गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। ये लोग यहाँ पे 28 nm से लेकर 110 nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस को यूज करेंगे और इंडिया के अंदर अपनी चिप्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके साथ ही माइक्रोन जैसी फैसिलिटी जो टेस्टिंग और पैकेजिंग करेगी मेमोरी चिप्स का, जिनका यूज एसएसडी और रैम के अंदर किया जा सकेगा। इसके साथ ही टाटा की एटीएमपी फैसिलिटी असम के अंदर, ये एक पैकेजिंग फैसिलिटी होगी जो कि एक साल के अंदर 48 मिलियन चिप्स को यहां पे प्रोड्यूस करेगी। इसके साथ ही सीजी पावर है, ये भी इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर चिप की पैकेजिंग वगैरह यहां पर की जाएगी। और इसी के साथ ही इंडिया की कंपनी एचसीएल और
मैक्सकॉन मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं जेवर उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे इंडिया की पहली डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स होती है, इनको डेवलप किया जाएगा। इवन इंडिया के अंदर फोकस ये है कि यहां पे जो आपके प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्लेज होते हैं उनको भी मैन्युफैक्चर किया जाए और जो छोटे छोटे चिप्स और प्रोसेसर्स होते हैं ना उनको भी यहां पर बनाया जाए। इवन देखा जाए तो सिर्फ कहानी यहां तक खत्म नहीं हो जाती, यहां पे कई सारे छोटे छोटे और भी एडवांटेज है। सबसे पहले तो क्या आप लोगों को मालूम है कि इंडिया के अंदर ग्लोबल का जो 20% चिप डिजाइनिंग का टैलेंट है वो इंडिया के अंदर है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जितना भी टैलेंट है ऑलरेडी 20% इंडिया में है। और यहां तक कि कई सारी चिप डिजाइनिंग की जो काम होता है ग्लोबल लेवल पे वो आज इंडिया के अंदर होता है। इवन इंडिया के अंदर क्वालकॉम के पास जो सेकंड लार्जेस्ट R&D फैसिलिटी USA के बाहर है वो भी इंडिया के अंदर है। इवन आपको ये भी बात बता सकता हूं, आज के समय में जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट का जो नेक्स्ट वर्जन आएगा, हो सकता है उसकी टेस्टिंग आज के समय में इंडिया के अंदर ही चल रही हो। ये भी काफी चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ऑलरेडी टेस्टिंग हो गया, ड्राइवर्स हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गया, इनके अंदर जो कोर काम होता है धीरे धीरे अब इंडिया में यहाँ पे काफी तक शुरू हो चुका है, लेकिन अब इसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है। और देखा तो इंडिया स्ट्रेटेजिकली काफी अच्छी लोकेशन भी होता है, जहाँ पे चिप डिजाइनिंग का काम भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, प्लस यहाँ पे फैब्रिकेशन प्लांट्स भी धीरे धीरे ओपन होने लगे। और एक छोटी सी चीज है इंडिया के साथ, वो ये कि हम लोग है ना थोड़ा सा पीछे थे रेस के अंदर, क्योंकि चाइना या ताइवान हो गया ना, इन्होंने जो चिप वाली जो रेस थी ना 90s में शुरू कर दी थी। तकरीबन 30-35 साल पहले ये लोग ऑलरेडी रेस के अंदर थे, जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग हो गई या फिर कोई भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हो गए, ये मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने जो चीज अचीव कर ली कई साल पहले कर ली थी। इस वजह से ग्लोबल लेवल पे इन्होंने अपनी डोमिनेंट पोजीशन बना ली कि हम जो है वो चिप्स बनाएंगे और दुनिया को यहाँ पर बेचेंगे। लेकिन इंडिया ने ये जो प्रोसेस होता है ना पिछले कुछ साल में ही काफी अच्छे तरीके से शुरू किया, और पिछले 5 साल के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे चिप की डिजाइनिंग से लेकर चिप फैब्रिकेशन पर यहाँ पर काम करना शुरू किया। लेकिन अब देखा तो इंडिया के पास एक स्पेशलिटी है और वो होती है यहाँ पे स्केलेबिलिटी की, यानी कि एक काम अगर हम लोग कोई शुरू करते हैं ना तो बहुत ही छोटे लेवल पे शुरू करते हैं, लेकिन उसको स्केल जब करते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। मतलब बहुत सारे एग्जांपल है, आप यहाँ पे इंडिया के अंदर 5G का डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं। 2019 में ही ग्लोबल लेवल पे 5G आ गया था। इंडिया में पहला 5G कब लगा? 2022 में। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर ही इन्होंने 5G को मेजर कवरेज दिया, और देखा जाए तो वन ऑफ द फास्टेस्ट 5G का रोल आउट इंडिया में हुआ था। इस तरीके की जो चीजें रहती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, यानी कि एक बार 28nm का चिप यहां पर बनना शुरू हो गया, पैकेजिंग शुरू हो गई, चिप का फैब्रिकेशन शुरू हो गया, उसको स्केल करना, उसको मास प्रोड्यूस करने में इंडिया बहुत अच्छा करता है। इंडिया ने अपनी IT सर्विस इंडस्ट्री के अंदर करा, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर करा, इवन इसरो ने स्पेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्केल किया है। ये सारी चीजों का अगर टैलेंट अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज हो तो हम भी एक ग्लोबल लीडर यहाँ पे बन सकते हैं। और हाँ, 3nm के लिए अभी के लिए 2030 का टारगेट रखा गया, लेकिन ऐसी बात है कि पुरानी चिप्स की डिमांड खत्म नहीं होने वाली, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम होगा, और फ्यूचर में हो सकता है हम आने वाले 5-6 साल में ताइवान के जो TSMC जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप फैब्रिकेशन वाली कंपनी है उसके साथ नेक टू नेक यहाँ पे कम्पीट करे। हालांकि चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन इंडिया में जॉइंट वेंचर के साथ काम यहाँ पे करना शुरू हो गया और ये बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर इंडिया अगर एक सेमीकंडक्टर लीडरशिप में अंदर लगा आता है तो ये बहुत ही एडवांस चीज होगी। अब बस बात यहाँ पर ये कि इंडिया के अंदर अपने खुद के बनाए हुए प्रोसेसर्स भी देखने को मिले, जैसे कि इससे पहले हमने शक्ति प्रोसेसर वगैरह के बारे में सुना था, अगर इसका अगर मास स्केल के अंदर लोगों के अंदर काफी अच्छा यूज केस मिले तो वो भी काफी अच्छी चीज होगी। बाकी देखते कि आने वाले समय में इंडिया की जो चिप इंडस्ट्री रहती है, चिप का रिवोल्यूशन होता है, वहां पर क्या चीज रहती है, इस बारे में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेरे को मिलती रहेगी तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पे वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, नया जानने को मिला, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।